रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों व भव्य शोभा यात्रा के साथ कांडा महोत्सव शुरू हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने में महोत्सवों का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि कांडा महोत्सव भी उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। महोत्सव आयोजन समिति ने बताया कि मेलार्थियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। महोत्सव में दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही तथा विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों से लोगों को सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। रात में स्टार कलाकारों की नाइट का भी लोग आनंद उठा रहे हैं। सबसे पहले मुद्दा था, चुनाव लड़ने से पहले जब मैंने अपनी उम्मीदवारी रखी थी तो तब मैंने ये भी बात जब मुझे मौका मिला तो मैं इस बारे में बोलूँगी। ये क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कूड़ा निस्तारण और शौचालय की, तो इसमें हम जरूर सोचेंगे। हुआ है इससे भी पहले ये महोत्सव हुआ था लेकिन इतना गर्मी नहीं हुआ था, तो इसमें कई स्कूलों के बच्चे भी आए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है। आज हमारे अतिथि के रूप में हमारे जिला अध्यक्ष बसंती आए, काफी हर्ष उल्लास से सम्मान किया गया। ये प्रोग्राम अगर शुरुआत ही इसकी इतनी अच्छी हो तो आगे भी बहुत अच्छा होगा। और इसमें महिलाओं की चाचीदी की भी प्रतियोगिता रखी गई है जो एक देखने योग्य होगा। इसलिए मैं समस्त क्षेत्र से निवेदन करती हूँ कि आप यहाँ आइए, इनका मनोबल बढ़ाइए। उद्घाटन आज माननीय जिला पंचायत अध्यक्षा के सर कमलों के द्वारा यहाँ पर किया गया, जिसमें सारी क्षेत्र के लोगों ने यहाँ पर अच्छा साथ दिया। सारे बच्चों की झांकियाँ काफ़ी देखने लायक थी और पूरे क्षेत्र ने इसमें साथ दिया। यहाँ पर पूरी कार्यकारिणी ने बहुत अच्छा यहाँ पर भव्य झांकियों में ही बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, मैं अतिथि बनकर यहाँ उद्घाटन करने आई, इसके लिए मैं महोत्सव का CCN न्यूज के लिए कांडा से विजय कार्की के साथ योगेश नगर कोटी की रिपोर्ट।